लखपति है। आप बताओ आपके कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? सच सच बताना, मजाक नहीं करना। मेरी कामयाबी के पीछे मेरी गर्लफ्रेंड का हाथ है, वो इतनी लक्की है ना मेरे लिए। क्या बोल रही बात? सावन में पति यदि चूड़ी ले आके दे तो पति की बरकत होती है। अच्छा, तो मतलब इससे 7 साल हो गए आज तक, मैं क्या बरकत नहीं हो रखे मेरी? थैंक यू, लकी बंदा हूँ, लकी लड़का हूँ, जो पापा ने मेरे को अपनी सैलरी लेके आते हैं और मुझे दे देते हैं और मैं इसको अपने। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है 25 जुलाई 2024 और आज सुबह ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। बारिश का मौसम हो रखा है भाई, ये देखो बारिश का पूरा मौसम हो रखा है, बट जो गर्मी है ना वो रुक नहीं रही है। यार जुकाम भी हो गया, कल जब आया मैं, जैसे मैं ऑफिस से घर आया और भाई नाक वाक तेजाब हो रही है, मतलब कि आवाज़ भारी हो रही है, तो घर वाले कह रहे क्या हो गया, तबियत खराब हो गई क्या? मैंने कि अभी हुई नहीं है बट होने वाली है। तो तनु ने ऑलरेडी अपने लिए दवाई मंगाया था, 3 खुराक था, एक खाया वाला उसने और सही हो गई थी वो, तो वही वन दवाई उसने मुझे दे दिया था और एक दवाई वाला खाया। तो सुबह तक थोड़ा बहुत आराम है, सुबह हल्दी दूध पी लिया है, बाकी 8:10 हो रहा है भाई। तनु बना दिए खाना भाई, वही भिंडी घिया पिया वही बन लूँ। और यू भी जा चुका है स्कूल, लाइट जल रहा है, ये देखो भाई चार्ली आ गई है। ऐसे सुना ना कि मैं भाई ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, वैसे आ गई है, ब्लॉगिंग स्टार्ट होते ही आ गई ना, तो है ना। मैं नहा लूँ, मैं नहा लूँ चार्ली, चार्ली मैं नहा लूँ, मैं नहा लूँ। जैसे ब्लॉगिंग स्टार्ट होता है ना, ये नीचे से ऊपर आ गई। हाँ क्या हो गया चार्ली, क्या हो गया? सब्सक्राइबर्स को बोल दे हाय, बोल दे हाय, गुड मॉर्निंग बोल दे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोल दे, गुड मॉर्निंग। उठ जा 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 चार्ली, उठ जा। गुड मॉर्निंग, ये देखो गर्मी से इसका है, बारिश हो रही है, ठंडा मौसम है तभी भी इतनी गर्मी। बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, बहुत ठंडा, बट इतनी गर्मी हो रखी है ना, किचन घूमने के बाद ना लग रहा है नहाने वाले। तनु की हेल्प करने के लिए चार्ली आ गई है, बट ये खुद हेल्प नहीं करवा रही है। खाना क्या बन रहा है? ये बन रहे हैं आलू, तोरी, बैंगन, चना की सब्जी, भिंडी की सब्जी बन चुकी है। इसके अलावा कुछ बनाओगे? नहीं बनाओगे, भिंडी की सब्जी बन चुकी है, तड़के वाली दाल बन चुका है, चावल बन चुका है, रोटी बना लिया। कितने बजे उठे थे तुम? मैं आज उठी थी 7:45 पूरे 7 बजे। तो जल्दी जल्दी यूबी को पकौड़ी बना के दी, तैयार करके स्कूल भेजी। ये देखो भाई कैसे शॉर्टकट रोटी बनाती है, ये पहले तवे पे, उसके बाद सीधे सीधे गैस पे, गैस पे रोटी बनाई हुई, गैस करती है। नहीं फुलाना चाहिए, लेट हो गया यार इस वजह से। अच्छा लेट हो गया था, तुम कुछ भी गलत काम कर दोगे, नहीं करना चाहिए, पता है ना गलत। सॉरी, मुझे लगा ना कि आज आपकी छुट्टी है, वो जिम जाना है आपको, आप जिम जाते हो 6 बजे। आज यार जिम नहीं जा पाया भाई, क्योंकि आशीष की थोड़ी तबीयत खराब हो रही थी तो ये जा नहीं पाया, तो इसलिए मैं भी नहीं उठा था। ये देखो और एक देखो, ये गंजा हो गया, लड्डू गंजा हो गया, लड्डू गंजा हो गया। कल मम्मी लेके गई और इन सबको गंजा करवा दिया। अच्छा ये बताओ, किस किस के पापा ना लाके अपनी सैलरी अपने हाथ में देते बैठे के? मैं तो भाई, मैं शुरू से पापा ने मुझे सैलरी देते शुरू से ही। तुम्हें क्यों दूँ? तुम क्या पापा की बेटी हो? तुम्हारी बीबी नहीं हूँ। तो मेरी बीबी हो ना, तो मेरे पैसे थोड़ी है, पापा के पैसे है। क्या कह रही थी, चूड़ी ली है? चूड़ी ली है? मैंने तो चूड़ी लिया है। हाँ तो लिया है तो बात खत्म हो गई ना, लेके आई थी, लेकिन सावन में यदि पति चूड़ी लेके देना तो पति की बरकत होती है। उधर देख के बोल रही बात, सावन में पति यदि चूड़ी ले आके दे तो पति की बरकत होती है। अच्छा, तो मतलब इससे 7 साल हो गए आज तक, मैं क्या बरकत नहीं हो रखे मेरी? होती है, और तो मैंने तो कुछ भी नहीं दिया। तुम्हारी मेरी वजह से बरकत होती है ना, मैं बोलती हूँ। तुम गलत फैमिली में कब से है तनु? जब से मैं आई हूँ तब से हूँ। नहीं गलत फैमिली में कब से है? वो तो तुम्हारा दिल जानता होगा। मेरा तो दिल जानता ही है, जब से देख देख तू आई थी पूरी सच सच के आई थी। आज के टाइम पे ना तेरे पास कान के अंदर है, ना तेरे नाक के अंदर है। आपके नाक वो फंस के उसमें ना मेरा नाक निकल गया, खून निकल गया, खून निकल गया, खून निकल गया। झुमका पहन रखे हो ना उसी की वजह से। झुमका नहीं है ये, तो ये हीरा है, हीरा। हाँ तो वही बात है, जब मैं आई थी तो आप क्या थे, अब आप क्या हो, आप खुद से अंतर लगा लेना।
जब मैं नहीं था तेरे लाइफ में तब तू क्या थी और आज क्या तू है? कुछ भी नहीं है ना, पहले भिखारी थी। अच्छा, आप मेरी वजह और अब तो लखपति है। अब बताओ आपके कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? सच सच बता ना, मजाक नहीं कर रही। मेरी कामयाबी के पीछे मेरी गर्लफ्रेंड का हाथ है। वो इतनी लक्की है ना मेरे लिए कि जब भी रहती है तो मेरे पास पैसे रहते हैं। हट जाओ अब यहाँ से, तो बेलन खा लोगे। बेलन क्यों खा लूंगा? तुमने क्या पूछा? कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? किसका हाथ है ये बेलन का हाथ है? तुम आ जाइयो ना, वो कितने साल से तुम्हें पता है? हट जाओ अब। क्या हट जाओ अब? तू तुम्हें पूछा नहीं बताऊ, गूंगा बन जाऊ, गूंगा बन जाऊ। जाओ यहाँ से, हटो। मेरे गर्लफ्रेंड का मतलब तू है, मेरी तू है, गर्लफ्रेंड का मतलब तू है। बीबी गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती, बीबी गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती। मैं से बकवास ना। बीबी गर्लफ्रेंड हो सकती है? नहीं हो सकती है? तो फिर गर्लफ्रेंड बीबी हो सकती है? तो कुछ तो बता, तो कुछ बता, गर्लफ्रेंड बीबी हो सकती है या बीबी गर्लफ्रेंड? मैं बोला कि मैं मेरे आने से तुम भिखारी, पहले मेरे आने से तुम कुछ नहीं हुए। तो नहीं हुआ तो नहीं बताऊंगा ना, ये झूठ बोल दूं। मुझे लगता है ना तुम पहले भिखारी थे, अब राजा बन गए मेरे आने के बाद। ये गलत फिर मैंने पास रखी थे, 8:30 हो चुके हैं, मैं नहा धो के जा रहा हूँ और उसके बाद तेरे से बात करता हूँ मैं। गाइस, मैं इस दुनिया का सबसे लकी बंदा हूँ, लकी लड़का हूँ, जो पापा मेरे को अपनी सैलरी लेके आते हैं और मुझे दे देते हैं और मैं इसको अपने बैग में रख लेता हूँ। किस किस के पापा आपको सैलरी देते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। गाइस, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो गंजा हो गया लड्डू। लड्डू मैं भी गंजा हो जाऊं? लड्डू, लड्डू मैं भी गंजा हो जाऊं? ओए मैं भी गंजा हो जाऊं हैं? मैं भी गंजा हो जाऊंगा। लड्डू अच्छा लग रहा है, लड्डू अच्छा लग रहा है, लड्डू अच्छा लग रहा है। दिखा दिखा लड्डू, दिखाना लड्डू, दिखाना। मैं भी हो जाऊं गंजा हैं? तुम्हें किसने कराया गंजा हैं? अगाचा कर कराया। थैंक यू। जिम का टाइमिंग हमने चेंज कर दिया सुबह से, अब सुबह नहीं जाएंगे, अब जाएंगे शाम को, क्योंकि सुबह सुबह भी यार भगदड़ होती थी, मतलब उठो फिर जिम जाओ फिर आओ फिर ऑफिस जाओ, बड़ा मुश्किल होता था यार। अब हम लोग कर लिया, सीधा ऑफिस से आएंगे घर, 5-10 मिनट आराम करके सीधा जिम। समझे जिम बहुत है, और आओ आराम से सो जाओ, टेंशन फ्री उठो और टेंशन फ्री ऑफिस जाओ। क्या